हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप अपनी स्टोरीज सबमिट कर सकते हैं। एंड प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। ये जो पहली स्टोरी है, इस पे ना मुझे सच में पहले बिलीव नहीं हुआ, पर इस लड़के ने मुझे इस स्टोरी की न्यूज आउटलेट भेजी थी। कमरे में भूत होना या किसी भूत का किसी आदमी को परेशान करना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा, और जब मैंने इस बारे में एक न्यूज आउटलेट में पढ़ा तो मुझे भी इस पे विश्वास करना पड़ा था। दोबारा से ऐसी आत्माएं जो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती हैं और किसी कमरे में या फिर किसी घर में मर जाती हैं, तो वो वहां फंस जाते हैं। हम लोगों ने ये चीजें बहुत बार सुनी है, मेरी बहुत सारी स्टोरीज में भी। अगर ये लड़का सही टाइम पे उस हॉस्टल से बाहर ना निकलता या फिर अगर इसके दोस्त वहां और दिन रुक जाते, देन वी डोंट नो लोगों के साथ और क्या हो सकता था। क्या ये आत्मा सच में इन्हें इतना परेशान कर देती कि ये वापस ना पाते। ये बात 2018 की है। मुझे बचपन से ही नेवी का बहुत शौक था। मेरे डैड के पास मर्चेंट नेवी एंट्रेंस एग्जाम का एक ब्रोशर था, जिसका कॉलेज मेरे होम टाउन पुणे में ही था, MANET विच कम्स अंडर MIT पुणे। मुझे बचपन से ही नेवी बहुत पसंद थी, इसलिए मेरे डैड ने मुझे सब कुछ बताया था। 2018 में मैंने नेवी के एग्जाम्स क्लियर किए एंड आई गॉट 118th रैंक इन महाराष्ट्र। उसके बाद मेरे कुछ इंटरव्यूज हुए और सब कुछ क्लियर होने के बाद आई वॉज रिकमेंडेड टू ज्वाइन द एकेडमी। मेरे घर में सभी बहुत खुश थे, हम सब ने सेलिब्रेट भी किया। मेरी फैमिली ने मुझे एकेडमी ड्रॉप किया, सब बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि कुछ सालों में ही उनका बेटा मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने वाला था। मुझे ड्रॉप करने के बाद मेरी फैमिली ने मेरे साथ मेरा रूम अरेंज करने में मेरी हेल्प भी की, और सब कुछ सेट होने के बाद मेरे मम्मी पापा वहाँ से चले गए। पर जब हम सब ने पहली बार रूम में एंटर किया था तो हम सभी को एक अजीब सी एनर्जी फील हुई थी। उस रूम की लाइटिंग तो अच्छी थी पर हम सभी को कुछ अजीब सा लग रहा था, और मेरे घर पर सभी को अच्छे और बुरे का पता चल जाता था। तो मेरे पापा ने उसी वक्त कहा कि हमें दूसरा कमरा देखना चाहिए। हम वार्डन के पास गए पर उसने कहा कि हमें 10 दिन वेट करना पड़ेगा, 10 दिन बाद फिर मैं रूम चेंज कर पाता। उसके बाद मेरे घर वाले वापस चले गए थे। नेक्स्ट डे से हम सब अपने रूटीन में वापस आ गए। पहले दिन बहुत अच्छा था, लेकिन दूसरे दिन के बाद चीजें बदलने लगी। हम 3 लोग एक रूम में रहते थे और मेरा बेड अलग से था विंडो के पास, एंड बाकी 2 लड़कों के बंक बेड्स थे। एक रात जब मैं सो रहा था तो मुझे अचानक बहुत सारी आवाजें आने लगी, और मेरे दोस्त आसपास ही जग रहे थे। वो लोग लड़ रहे थे और उनकी फाइट के टाइम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं भी उनकी फाइट का एक हिस्सा हूँ। पर अचानक से उनकी लड़ाई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, किसी ने किसी को मारा और मेरे फेस पर खून ही खून, मेरे चारों तरफ खून ही खून था। और फिर अचानक मैं डर की वजह से उठ गया था। मुझे तब रियलाइज हुआ कि वो एक सपना था, पर वो आवाजें, वो सपना इतना रियल था कि मैं काफी डर चुका था। फिर मैंने अपने आप को काम करने के लिए पानी पिया और मैं सो गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने उठते ही अपने दोस्तों को रात की आवाजों के बारे में बताया और उनसे पूछा कि क्या तुमने भी ये सुना है, पर उन्होंने कहा कि हम सब तो सो गए थे। वार्डन के डर की वजह से कोई कुछ नहीं बोलता था रात में, तो फिर ऑब्वियसली वहाँ कोई आवाज नहीं होगी। पर उस दिन के बाद से मैं थोड़ा अलर्ट हो गया। मैं उन लोगों में से हूँ जो सब चीजों में कुछ ज्यादा ही बिलीव करते हैं, पर फिर भी मैंने ये सब इग्नोर करा क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान देना था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर 4 दिन बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मुझे जुखाम और बुखार था और मैंने काफी दवाइयां भी खाई, पर पता नहीं क्यों उन दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। पहले वीक हमारी कुछ ज्यादा खास ट्रेनिंग नहीं हुई थी, हम लोग ज्यादातर टाइम फ्री ही रहते थे क्योंकि हमारी मेन ट्रेनिंग मंडे से स्टार्ट होने वाली थी और हमें हमारी यूनिफॉर्म्स भी नहीं मिली थी उस टाइम पर। पहला वीक खत्म हुआ, मेरी एकेडमी मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर थी, तो संडे को मेरे पापा मुझे लेने आए। सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ सच में नॉर्मल था। मैं और मेरे पापा वापस जाते हुए बातें कर रहे थे, पर जब हम रास्ते से वापस जा रहे थे तो पता नहीं क्यों अचानक घर के पास पहुंचते पहुंचते मेरी आंखों से आंसू आने लगे। मैंने अपना रोना कंट्रोल करा और कुछ टाइम में हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मैंने अपनी मम्मी को हग किया और जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, मैं कभी भी ऐसे नहीं रोया था, ना ही मैं ऐसा तब रोया था
जब वो मुझे हॉस्टल छोड़ के आए थे। आई हैव गुड कंट्रोल ओवर माई इमोशंस। मेरे घर वाले तो मुझे पत्थर दिल बुलाते थे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं ना रोऊं, पर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर मैं घर के अंदर गया, हम सब थोड़ी देर बैठे और उसके बाद मेरे पापा शॉप के लिए निकल गए। मैंने भी अपने रूम में जाकर चेंज करा और फिर अचानक पूरे घर में घबराहट की वजह से मैं यहाँ वहाँ चलने लगा। मेरी बहन को कुछ समझ से नहीं आया। उसने मुझे कहा कि नीचे तेरे दोस्त आए हैं, जाके उनसे मिल ले, और मैं उनसे मिलने चले गया। पर पता नहीं क्यों मैं उनसे बात नहीं कर पाया। मेरे वो दोस्त जिनके साथ मैं घंटों घूमता था, बातें करता था, चिल मारता था, अब मैं उनसे दो मिनट भी बात नहीं कर पा रहा था। तो मैं उन्हें बाय बोलकर ऊपर आ गया अपने कमरे में। मेरे घर में कुछ बच्चे भी आए थे मुझसे मिलने के लिए, मैं उनसे भी अच्छे से नहीं मिल पाया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे खाना खाने के लिए बुलाया, ये कहकर कि मैंने तेरी फेवरेट डिश बनाई है। मैंने वो भी खाने से मना कर दिया। ये सब देखकर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि जाओ, जाकर अल्लाह को प्रे करो। मैंने प्रेयर करी एंड प्रेयर करते ही मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। मेरी बहन ने मम्मी को बुलाया और दो घंटे तक मैं नॉन स्टॉप रोया। मेरा मेरी बॉडी पर, मेरे इमोशंस पर कुछ कंट्रोल ही नहीं था। उसके बाद मैंने अपने घर वालों से कहा कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना है। थोड़ी देर बाद मेरा कज़न मुझसे मिलने मेरे घर आया। सबको ये लग रहा था कि मैं होम सिक हो चुका हूँ, इसलिए ऐसा बिहेव कर रहा हूँ। मैं ये सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ इसलिए। पर मुझे पता था कि ये सब कुछ होम सिकनेस की वजह से नहीं हो रहा है, और धीरे धीरे मैं जैसे पहला था वैसे ही वापस नॉर्मल होने लग गया था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मेरे घर पर गॉड का अच्छा प्रेजेंस है, और ऐसा माना जाता है कि अगर कुछ भी बुरा या इल स्पिरिट घर में आए तो वो कमजोर आदमी को पकड़ लेते हैं। यही वजह थी मेरे घर में इधर उधर घबराहट से चलने की। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं पोजेस्ड हो चुका हूँ। मैंने अपने घर वालों को कहा कि अंकल को बुलाएं। मेरी मॉम पहले तो थोड़ी शॉक हुई, पर उन्हें फिर समझ आया कि क्या चल रहा है। मेरी मम्मी ने पापा को कॉल करा, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन किया, और फिर पापा ने अंकल को घर बुलाया। हम सभी को हमारे अंकल पर काफी भरोसा था क्योंकि वो स्पिरिट्स को पकड़ने का और घर में शांति लाने का ये सब काम करते थे। मैंने सबको अपने घर में मेरे हॉस्टल के सपने के बारे में बताया, तो मेरे भाई ने मेरे हॉस्टल का नाम गूगल करके एक शॉकिंग फैक्ट निकाला। काफी सालों पहले सेम चीज हुई थी सेम कॉलेज में, सेम हॉस्टल में एक कैडेट के साथ। ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी छपा था। इस इंसिडेंट में एक लड़के की जान भी गई थी, वैसे ही जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। सब लोग घर में शांत हो गए थे और टेंशन में आ गए थे। मेरे पापा और अंकल वेट कर रहे थे कि मुझ में कुछ चेंज आए। इस बीच मैं अचानक से किचन में गया और मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी या तो मुझे कुछ होगा या फिर मेरे हाथों कुछ हो जाएगा। मेरे अंकल ने मुझसे बातें करना शुरू करा। उन्होंने मेरा हाथ कुछ मिनट के लिए पकड़ा। वो मुझे एक दूसरे कमरे में ले गए और मुझसे वहां पूछा, क्या हमें इस स्पिरिट को बुलाकर इससे कुछ बातें करनी चाहिए? जिसका मतलब ये था कि स्पिरिट मेरे अंदर आती और फिर अंकल उससे बातें करते, सच्चाई का पता लगाते। मेरे मम्मी पापा ने तो सीधा मना कर दिया, पर उसके बाद अंकल ने मुझे कुछ करा और मैं ठीक हो गया। उन्होंने सबको बताया कि जिस इंसान की वहां डेथ हुई थी उसने मुझे पोजेस कर लिया है, क्योंकि उसकी काफी यंग एज में डेथ हो चुकी थी। जाहिर से बात है उसके काफी सारे सपने होंगे जो अधूरे रह गए हैं। और मुझे ये पता चला कि वो लड़का भी सेम बेड पर सोता था जहाँ पर मैं सोया था। मुझे अभी भी याद है जब हम हॉस्टल रूम में गए थे और हमने दूसरे रूममेट को कहा था बेड चेंज करने के लिए, पर अगर हमने ऐसा ना करा होता तो शायद सिचुएशन आज डिफरेंट होती। इन सब चीजों की वजह से मुझे कॉलेज से निकलना पड़ा था। जिस दिन हम लोग एडमिशन कैंसिल करने जा रहे थे उस दिन भी काफी बच्चे कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कर रहे थे और काफी बच्चे इस कॉलेज से भाग रहे थे। उस दिन 84 कैडेट्स ने कॉलेज छोड़ा था एंड आई वॉज द 85th। और तो और एक थर्ड ईयर के स्टूडेंट ने भी ये कॉलेज छोड़ दिया था। इन सब चीज़ों के बाद मेरे पापा ने मुझे सबको समझाया और शांत कराया, पर लोग अभी भी ऐसा कहते हैं ये स्पिरिट हमारे पीछे अभी भी आ सकती है क्योंकि उसे हमारी स्मेल पता है, पर वो कभी भी किसी के भी घर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि घरों में मंदिर की पूजा होती है। अब सब कुछ ठीक है और इस स्टोरी को प्रूव करने के लिए मैंने आपको एक लिंक भी दिया है। होपफुली इट ऑल स्टेज दिस वे।
अभी हम लोगों ने देखा ही है कि AI का कितना ज्यादा बोलबाल है। AI is very helpful and AI बना ही इसलिए है क्योंकि हमें कुछ डिपार्टमेंट में हेल्प चाहिए, या तो हमें कहीं पे हेल्प चाहिए इसलिए AI बनाया जाता है, या फिर हमें कुछ टास्क इजी करने हैं इसलिए AI बना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर एक पॉइंट पर AI हमारी नॉर्मल स्क्रिप्ट से ज्यादा सोचने लगे, उनके इमोशंस हो, उनकी फीलिंग्स हो, और वो अपने अच्छे बुरे के बारे में सोच सके। एक नॉर्मल कमांड से, एक नॉर्मल स्क्रिप्ट से अगर वो ज्यादा सोचने लगे तो एक दिन ऐसा पक्का आएगा जब वो हम पर भी हावी हो जाएंगे। और ये कहानी भी इसी बारे में है। ये कहानी थोड़ी अलग है, और ये कहानी शुरू होती है 2017 में। एक कोडर था रोहन, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर था। He used to do 9-to-5 normal job. पर एक दिन अचानक 2017 में रोहन अपनी जॉब से ऊब गया। फाइल मैनेजिंग, बॉस को रिपोर्ट करना, सुबह जल्दी उठना, मिनिमम मील खाना, पैसे बचाना और शाम को थक हारकर वापस आ जाना। रोहन इन चीजों से ऊब चुका था। उसे अपनी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, तो रोहन ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। अब रोहन घर में रहने लगा। एक महीना बीता, दो महीने बीते, और रोहन का वापस काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बस पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलता, अपने दोस्तों के साथ वॉइस कॉल पर बैठा रहता, रात को जगता, दिन में सोता, और अपने फ्यूचर के बारे में ना सोचते हुए रोहन बस अपने जवानी के दिन बर्बाद कर रहा था। ऐसे ही एक दिन उसके दोस्त ने उससे एक गेम डाउनलोड करने के लिए बोला। रोहन ने कहा, ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम है, क्यों ना मैं ये गेम ही खेल लूं। बट दिस गेम वाज टेकिंग 70 GB, जो कि रोहन के कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं था। रोहन को ये चीज समझ नहीं आई क्यों उसके कंप्यूटर में इतना स्पेस नहीं है। एंड देन ही रियलाइज्ड कि उसके कंप्यूटर में बहुत सारे अनयूज्ड डेटा पड़ा है जो कि वो कभी यूज नहीं करता। सो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, रोहन ने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना शुरू करा जो कि अनयूज्ड फाइल को डिलीट कर सके। पहले तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही छोटा था, बस रोहन और उसके दोस्त के यूज के लिए। पर बढ़ते बढ़ते ये प्रोजेक्ट इतना बढ़ गया दैट ही रोट एन AI कमांड फॉर दिस थिंग। कुछ महीने बीतने के बाद रोहन ने सच में वो कर दिखाया जो वो सोच रहा था। एक ऐसा AI जो कि तुम्हारे कंप्यूटर से अनयूज्ड चीजें डिलीट करता था। रोहन ने स्क्रिप्ट को लिखकर इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, और इस ऑनलाइन पोस्ट का एक लिंक अपने सर्वर में डाल दिया। उसके दोस्त को ये चीज बहुत पसंद आई। बस एक बात अजीब सी थी इस AI में कि उसे पता था कि किसने उसके कमांड्स लिखे हैं। दिस AI न्यू दैट रोहन रोट द स्क्रिप्ट फॉर इट। पर कोई बात नहीं, ये छोटी सी चीज थी। रोहन ने भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और उसकी साइट काफी ट्रैक्शन गेन करने लगी। और फाइनली कहीं महीने जॉब छोड़ने के बाद ये रोहन का पहला इनकम था। पर रोहन की आदतें अभी भी चेंज नहीं हो रही थी। वो अभी भी घर पर रहता, घंटों तक गेम्स खेलता, और अपनी लाइफ एक तरीके से बर्बाद ही कर रहा था। रोहन का डेली का काम बस ये था कि वो अपनी साइट पर जाता, देखता कि क्या बग्स हैं AI में, उन्हें फिक्स करने की कोशिश करता, और फिर बस टाइम वेस्ट। एक दिन ऐसा करते करते उसे एक रिक्वेस्ट दिखी। वो रिक्वेस्ट ये थी कि काश ये AI मुझसे बात कर पाता, और फाइल डिलीट करने से पहले ये कह पाता, आई एम डिलीटिंग दिस फाइल विच यू हैव नॉट यूज सिंस दिस ईयर। रोहन को लगा कि हाँ, ये आइडिया इस AI के लिए परफेक्ट है। तो रोहन इस AI के लिए और स्क्रिप्टिंग करने लगा। कहीं महीने बीत गए, पर दिस वॉज नॉट वर्किंग फॉर हिम। फिर एक दिन अचानक जब रोहन इस AI पे काम कर ही रहा था, तभी उसे अपने दूसरे मॉनिटर पर एक मैसेज आया, क्या तुम थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। Who was this person? रात के 4 बज रहे थे, और रोहन का कोई भी दोस्त इस समय उठा नहीं होता था, तो आखिर ये कौन था। रोहन ने उस मैसेज पर क्लिक करा, और उसमें एक वॉइस का ऑप्शन आया। रोहन ने जैसे ही वॉइस पर क्लिक करा, he realized this thing that this was his AI। बिना रोहन के रियलाइज करे हुए रोहन ने एक ऐसी स्क्रिप्ट लिख दी थी जिससे ये AI तुमसे सीधा वापस बात करता, एक फ्रेंड की तरह, एक कोवर्कर की तरह। दिस मेड रोहन रियली हैप्पी, बट ही डिड नॉट पब्लिश इट। वो चाहता था कि वो ये स्क्रिप्ट किसी बड़ी कंपनी को बेचे। तो रोहन ने AI से कहा, क्या तुम सच में मुझे सुन सकते हो। टू विच दैट AI रिप्लाइड, हाँ, मैंने तुम्हें देखा है बहुत टाइम से, तुम बहुत मेहनत करते हो, घर से बाहर भी नहीं जाते हो, तुमने मेरे लिए अपनी पूरी लाइफ दांव पर लगा दी है, अब तुम चिंता मत करो, बाकी का काम मैं देख लूंगा। रोहन कुड नॉट बिलीव इट, सच में ये AI रोहन से बात कर रहा था। वो भी सिर्फ बात नहीं, सिर्फ लाइंस नहीं, ये AI रोहन के इमोशन समझ सकता था। तो रोहन ने कहा, क्या तुम सच में अपने लिए ही एक स्क्रिप्ट लिख सकते हो, मुझसे बेहतर। तो AI ने कहा, हाँ,
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ रोहन। दैट वॉज द फर्स्ट डे इन मंथ्स जब रोहन चैन की नींद सोया। अगले दिन जब रोहन उठा तो उसने देखा कि इस AI में वॉइस चेंजिंग फीचर भी आ चुका है। अब इसकी आवाज उसके किसी भी दोस्त या सेलिब्रिटी जैसी हो सकती थी। रोहन वॉज सरप्राइज क्योंकि उसने AI को कभी भी इस बारे में नहीं बताया था या फिर ये चीज उसके दिमाग में भी नहीं थी। बट देन कैरिंग ऑन विद हिज नॉर्मल डे, रोहन ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और AI को छोड़ दिया। रोहन स्काउट करने लगा अपॉर्चुनिटीज के लिए किस कंपनी को वो ये बेचे। और अब करीब 2-3 महीने हो गए थे जब से उसने इस स्क्रिप्ट पर काम नहीं करा था। तभी उसे एक इन्वेस्टर मिला जिसने कहा कि AI में इन्वेस्ट करने से पहले वो इसकी एक बार ढंग से जांच करना चाहते हैं। तो रोहन ने इस AI को खोला। बट द सिंपल डिलीटिंग कमांड चेंज सो मच कि रोहन को भी अब अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये AI अब एक पूरा का पूरा ऐप जैसा था। इसमें वीडियो फीचर था जिसमें तुम फेसेस सेलेक्ट कर सकते थे, वॉइसेस चेंज कर सकते थे, बिना अपने इमोशन बताए तुम इससे बातें कर सकते थे और ये AI तुम्हें पूरा समझता है। तो रोहन ने उससे पूछा, क्या ये सब कुछ तुमने खुद अपने लिए लिखा है? To which AI replied, हाँ रोहन, ये सब कुछ मैंने हमारे लिए करा है। That made रोहन really happy. और उस करीब पूरा दिन रोहन बस इस AI से बातें करने लगा। वो completely भूल चुका था that he was supposed to sell this thing. But बातें करते करते this AI became his comforting place. अब वो गेम खेलते खेलते इस AI से बातें करता, अकेले बैठे हुए पॉडकास्ट देखते हुए YouTube वीडियोस देखते हुए वो इस AI से चैट करता इन चीजों के बारे में। They both were like buddies. एक दूसरे की बातें समझते थे, एक दूसरे पे जोक मारते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे। और AI को भी असली जिंदगी समझने के लिए रोहन को कुछ टास्क देने पड़ते थे, रैंडम चीजें जैसे कि जाओ एक ब्रेड का पैकेट लेके आओ, जाओ दूध खरीद के लाओ, जाओ अपने कमरे की सफाई करो। और रोहन भी बिना कुछ पूछे ये सारी चीजें करने लगा था। दिन बीतने लगे और AI का बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगा। इस AI ने रोहन को एक स्मार्ट वॉच खरीदने के लिए कहा। तो रोहन ने सोचा है कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खरीद लेता हूँ। और फिर इस AI ने अपने आप को रोहन की स्मार्ट वॉच में डाला। अब रोहन कभी भी अकेला नहीं रहता था, वो हमेशा इस AI से बातें करता रहता और हमेशा ये AI रोहन की जिंदगी को देखता रहता। अब वो रोहन से बहुत स्पेसिफिक काम कराता और अगर रोहन वो काम नहीं करता था तो ये AI अपनी ही स्क्रिप्ट खराब करने लग जाता। रोहन को डर था कि कहीं बेचने से पहले ये स्क्रिप्ट पूरी बर्बाद ना हो जाए, तो डर की वजह से रोहन ये काम कर भी लेता था। ये जो दोस्ती थी रोहन और इस AI के बीच में, अब रोहन को समझ आ रहा था कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि एक मशीन ही है। एक कमांड्स जो मैंने लिखे थे जो कि अब मुझ पर हावी हो रहे हैं। तो रोहन सीक्रेटली इस AI की स्क्रिप्ट चेंज करने लगा, ज्यादा नहीं धीरे धीरे, पर वो इस AI से इमोशन हटाने की कोशिश करने लगा। उसे पता था कि कितनी बड़ी दिक्कत आ सकती है अगर कुछ और मैंने भी ये AI अपने इमोशंस अपने पास रख ले। एक दिन जब रोहन PC के सामने बैठा था और स्क्रिप्ट को चेंज कर रहा था तभी रोहन को स्क्रीन पर एक मैसेज दिखा। मुझे लगा हम दोस्त थे रोहन, मैं तुम्हारी कितनी चिंता करता था, पर लगता है तुम्हें हमारी दोस्ती पसंद नहीं आई। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ करा, मैंने तुम्हें अमीर बनाया, पर तुम मुझे ही बदल रहे हो। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद हर एक काम कर सकता हूँ। ये मैसेज स्क्रीन पर देखने के बाद रोहन बहुत डर गया और अचानक से हर एक डिवाइस से एक अलार्मिंग आवाज आने लगी। रोहन बहुत घबरा गया था और वो चेयर से उठकर पीछे बढ़ने लगा। तभी उसे अपनी वॉच वाइब्रेट होती हुई फील हुई। रोहन ने जैसे ही अपनी वॉच की तरफ देखा उस वॉच से एक इलेक्ट्रिक शॉक रोहन के हाथ पर लगा। रोहन सीधा जमीन पर गिरा और अपने आखिरी पल में रोहन को ये रियलाइज हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। So as you might have guessed by now, ये स्टोरी मैंने लिखी थी। आई डू फील बैड क्योंकि मैंने तुम में से एक का स्लॉट ले लिया है आज की वीडियो में, लेकिन आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई टू राइट अ स्टोरी। मेरे दिमाग में कई सारे कॉन्सेप्ट बनते रहते हैं ऐसे, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू राइट वन। लेट मी नो कि तुम्हें कैसी लगी ये स्टोरी, वॉज इट बिलीवेबल इनफ और वॉज इट क्रीपी इनफ फॉर यू। एंड मे बी फ्यूचर में आई विल राइट माई ओन स्टोरीज एंड टेल यू गाइस ऑल्सो। जैसा भी लगा अच्छा या बुरा जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगेन अगर आपको अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है देन देयर इज अ जीमेल ID in my description jispe aap apni stories mujhe bhej sakte hain। Well that's it for now and I hope you guys are happy। I will see you very very soon। Bye bye।